हितों को लेकर जुड़ा हुआ है। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोलियम डीलर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकारों की गलत नीतियों के कारण निरंतर घाटे उठा उठाकर पेट्रोल पंप व्यवसाय बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। इसमें सारा दोष प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, असमानता वैट निर्धारण में है, उसके लिए ये सभी जिम्मेवार है। आज का जो मुद्दा है हमारा, हम 15 तारीख को हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप पूर्ण रूप से सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बंद रखेंगे। ये पेट्रोल पंप बंद का हमने निर्णय तेल कंपनियों की तानाशाही व सरकार केंद्र व प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण लिया है। डीलरशिप कमीशन हमारा, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाकर वैट टैक्स लगाकर अपने खजाने भरती जा रही है। डीलरशिप कमीशन हमारा 2016 में इंक्रीज हुआ था, उस समय हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय सरकारी तेल कंपनी और हमारी एसोसिएशन के बीच में एक MOU साइन हुआ था पेट्रोलियम मंत्री, तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री के सामने, कि जिसमें ये तय किया गया था कि हर साल तेल कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय डीलर कमीशन की वृद्धि करेंगे। 2016 के बाद निरंतर टैक्सों में वृद्धि होती रही, मूल्यों में वृद्धि होती रही, आम जनता त्रस्त और पेट्रोल पंप संचालक त्रस्त, पर सरकार के जरूर कानों पे धुनी रेंग रही है। इसी विरोध में घाटे, अपने घाटे को देखते हुए हमें ये निर्णय, सख्त निर्णय लेना पड़ा कि हम 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके सायं 6 बजे तक हम पेट्रोल पंप हरियाणा के पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। ना उस दिन हम तेल कंपनियों से कोई खरीद करेंगे, ना ही कोई बिक्री करेंगे। इसमें एक तो ये मैंने आपको बताया कि डीलर कमीशन का जो मुद्दा था वो पिछले 5 साल से पेंडिंग है। इसमें हमारी मुख्य मांग जो है केंद्र सरकार से और तेल कंपनियों से है कि पिछले 5 साल का जो हमारा डीलरशिप कमीशन था वो कमीशन इंक्रीज करके 5 साल के एरियर के साथ तुरंत रूप से भुगतान किया जाए, ताकि पेट्रोल पंप व्यवसायियों को एक आर्थिक सहायता मिल सके। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ वैट, जो स्टेट वैट है उसमें असमानता है। स्टेट वैट में अब हिमाचल, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें डीजल पेट्रोल हमारे से सस्ता है, जिससे हरियाणा सरकार भी मूक दर्शक बनी हुई है। हरियाणा स्टेट का रेवेन्यू, जो हरियाणा स्टेट में तेल बिक्री से वैट जनरेट होना चाहिए, वो पड़ोसी राज्यों में सस्ता तेल मिलने के कारण लोग वहां से तेल की भरपाई कर रहे हैं, तो वो स्टेट का रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है और तेल कंपनियों को प्रोडक्ट का भी लॉस हो रहा है सेल का। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हिमाचल में हमारे से 8 रुपए लीटर सस्ता डीजल है, 2 रुपए सस्ता पेट्रोल है। पंजाब में 3 रुपए सस्ता डीजल है, 2 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल है। चंडीगढ़ में 5.98 रुपए लीटर सस्ता डीजल है और पेट्रोल जो है 1.45 रुपए सस्ता है। गुजारिश करते हैं कि जब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST में नहीं लाते, तब तक सभी स्टेट्स में समान वैट दर लागू की जाए, ताकि डीलर्स को, जो बॉर्डर एरिया के हमारे हरियाणा के डीलर हैं, पंचकुला के हैं, यमुनानगर के हैं, चाहे हमारे इधर कैथल के, कलायत के, जींद के, सिरसा के, ये जो हमारी पंजाब के साथ लगती बेल्ट है, इन सारे पेट्रोल पंप डीलरों को सेल का लॉस हो रहा है और सरकार को वैट राजस्व का घाटा हो रहा है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि दिवाली पर आम जनता को जो पेट्रोल डीजल के रेट घटाकर 10 रुपए और 5 रुपए की राहत दी गई, पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई इस कदम की सराहना करती है। किंतु इसके विपरीत जो पेट्रोल पंप डीलर थे उनको इस एवज में भारी घाटा उठाना पड़ा। माह के अंत में पेट्रोल डीजल या अपनी सरकारी तेल कंपनियां अपना सेल वन टारगेट पूरे करने के लिए डीलर्स के टैंक फुल करवा देती हैं। सबके टैंक फुल थे, त्योहारी सीजन था, जो दिवाली के बाद विश्वकर्मा डे था, रिफाइनरी की छुट्टी थी, तो सभी डीलर ने 4-4, 5-5 दिन का स्टॉक रखा हुआ था। सरकार ने अचानक, जो बिना किसी उसके सूचना के, जो वैट, वो सेंट्रल एक्साइज कम की, एक जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल पंप डीलर है उसको 3-4 लाख रुपए का घाटा, और जो हमारे
जो हाई सेलिंग डीलर है उनको 30 से 40 लाख रुपए तक का भी घाटा उठाना पड़ा है। हम केंद्र सरकार से और तेल कंपनियों से ये मांग करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने वेट और एक्साइज सेंट्रल एक्साइज दे के खरीदा था और आपने एक्साइज कम कर दी, उसका जो घाटा है टैक्स का जो वेरिएशन है, हमने अगले दिन घटे हुए वेट और उस पे एक्साइज पे बेचा है, वो जो वेरिएशन है उस घाटे की हमें केंद्र पूल से या तेल कंपनियों के पूल से तत्काल हमारी भरपाई की जाए। एक और बड़ा गंभीर मुद्दा है, पिछले दिनों मैंने मीडिया के ग्रुप में भी उठाया था, प्रदेश में बायोडीजल सॉल्वेंट और बेस ऑयल के नाम पर नकली और मिलावटी तेल की बिक्री हो रही है। इसमें गुजरात से ये तेल इंपोर्ट होके आ रहा है बाहरी देशों से नाजायज तरीके से और हमारी इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्टर्स को इस नकली तेल की बिक्री की जा रही है जिसमें 5 रुपए से 10 रुपए लीटर तक सस्ता परोसा जा रहा है। ये सारा कार्य पेट्रोल पंपों के माध्यम से ना होकर, आप देखते होंगे कि तेल के बावजूद छोटी छोटी गाड़ियां टैंक लगा के घूमती हैं, कहीं भी खड़ी होकर रिफ्यूलिंग करने लग जाती हैं, वो पेट्रोल पंप समानांतर एक इलीगल नाजायज पेट्रोल पंप वैसा ही चला रहे हैं, गलत डीजल बेच रहे हैं, मिलावटी डीजल बेच रहे हैं, तो उससे भी पेट्रोल पंप व्यवसायियों को तो घाटा हो ही रहा है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के एवज में बिकना चाहिए था उससे सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी राजस्व का घाटा हो रहा है। हमारी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि इस नकली डीजल की जो बिक्री प्रदेश में हो रही है इसको तत्काल रूप से रोका जाए। पिछले दिनों मैंने ये मुद्दा उठाया था तो प्रदेश सरकार के जो हमारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ACS हैं मिस्टर अनुराग रस्तोगी, हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था हमें, तो मीटिंग में हमने ये मुद्दा रखा। साथ के साथ वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के भी ACS हैं, तो दोनों मुद्दे एक ही अवसर की टेबल पे डिस्कस हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी इसमें कोई राहत देंगे, पर उनकी तरफ से भी कोई राहत की घोषणा अभी तक नहीं की गई। इस सब को देखते हुए हमने अंत में ये कठोर निर्णय लिया कि प्रदेश के पेट्रोल पंप एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से बंद, पूर्ण रूप से बंद किए जाएंगे। तेल कंपनियों से हम कोई तेल की परचेज नहीं करेंगे, केवल मात्र इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कोई अन्य ब्याह शादी की गाड़ियां, विवाह शादी का जो बारात की गाड़ियां होंगी उनको हम तेल मुहैया कराएंगे। और हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप डीलरों से भी मैं आह्वान करता हूं कि इस व्यवसाय को घाटे से उबारने के लिए, इस मरते हुए व्यवसाय को बचाने के लिए आप सब एकजुट होकर इस हड़ताल में शामिल हों, साथ दें। हमने एक कठोर निर्णय और लिया है, अगर कोई डीलर भाई 15 तारीख को 12 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद नहीं रखेगा तो एसोसिएशन के सभी साथी मिलकर और जिला एसोसिएशन मिलकर उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और 50,000 रुपए का आर्थिक दंड हमने तय किया है। अगर कोई पेट्रोल पंप खोलेगा तो 50,000 रुपए का आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार का भागी होगा। सबसे पुनः निवेदन करूंगा प्रेस मीडिया के भाइयों के माध्यम से कि आप सभी हरियाणा के पेट्रोल पंप डीलर इस स्ट्राइक में एकजुट होकर सरकार को ये संदेश दें, तेल कंपनियों को ये संदेश दें कि अब हम और तानाशाही नहीं सह सकते, हमारा कारोबार बंद होने के कगार पर आ चुका है, इसमें हमें तुरंत ये जो हमारी मांगे हैं तुरंत पूरी की जाएं, अन्यथा हम सारे पेट्रोल पंपों की चाबियां हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को सौंपने को बाध्य होंगे। जी, एक बात, 15 नवंबर की जो हड़ताल है सरकारी पंप मेरे ख्याल एक दर्जन से ज्यादा है, पानीपत और आसपास स्काई लार्क है, वो संद पुल पे है, वो भी शामिल नहीं रहेगी, वो इसमें शामिल नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि सरकारी है वो तो बंद है। सरकारी है। दूसरी बात, आपने हड़ताल करी आज 13 तारीख है, हाँ जी। एक दिन का टाइम है, 15 की हड़ताल है, कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई बातचीत नहीं हुई, जैसे आपने उनको कहा उन्होंने कोई मीटिंग करने की मनाने की कोशिश नहीं की? हमारे को तो हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर पर हमारी एसोसिएशन के जो हमारे ऑफिस बियरर थे उन्होंने जिला अधीश के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपे, उसके बावजूद ACS साहब से मेरी 8 तारीख को मीटिंग हुई है, मैंने बताया आपको, जब मैंने ये बायोडीजल का मुद्दा अपने पत्रकार साथियों के ग्रुप में उठाया था और अपने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के भी ग्रुप में उठाया था, तो उसके बाद सरकार की तरफ से मुझे व्यक्तिगत कॉल आई कि आप इस मुद्दे पे थोड़ी रोशनी डालें, सरकार अनभिज्ञ है नकली तेल बेचने की और आप वेट का जो वेरिएशन है इसके बारे में भी, तो मैं इसी हिसाब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मिस्टर अनुराग रस्तोगी से 8 तारीख को, तो उनसे विचार विमर्श हुआ, पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ, बट
सरकार को उन्होंने कहा कि मैं रिकमेंड करूंगा। रिकमेंडेशन के बाद आज हम 13 तारीख को बैठे, 5 तारीख के बाद 5 दिन बीत चुके हैं, उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कोई हमें ये नहीं दिया गया कि हम आपकी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, आपकी मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। सरकार मौन व्रत धारण किया।